हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति पारासर। स्वाति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर लबाबदार। ये मैंने पनीर मंगाया है 200 ग्राम बाजार से। इसको मैं हल्का सा, बिल्कुल नॉर्मल, एक मिनट थोड़ा सा गुनगुना पानी गैस पे रखा था हल्का सा, क्योंकि बाजार का है तो मैं थोड़ा सा इसको पानी में डाल देती हूँ। पाँच मिनट के लिए मैं इसको पानी में डाल दूंगी। ये मैंने पनीर डाला था, 5 मिनट हो गए हैं, इसको अब निकाल देते हैं। इसको अलग रख देते हैं। मैं बताती हूँ आपको अब मसाले इसमें क्या लगेंगे। ये 3 मीडियम साइज के प्याज हैं, प्याज काट लिया है मैंने। 2 हरी मिर्च हैं और ये 4 टमाटर हैं छोटे साइज के, ये काट लिए हैं। 4 खड़ी लाल मिर्च हैं, 6-7 कली लहसुन की है, और ये अदरक टुकड़े हैं, 2 अदरक का टुकड़ा है 1-1 इंच का, और ये है छबीला जीरा, 1 चम्मच जीरा है, और डोंडा है, 4-5 कली लौंग है, 6-7 लौंग हैं, वो काली मिर्च हैं, और ये एक तेज पत्ता है, दालचीनी है। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़े से तेल में, 1 चम्मच तेल में पहले हम इसको भून लेंगे, तब ब्राउन कर लेंगे प्याज को और ये मसालों को, फिर इसकी हम प्यूरी बनाएंगे। गैस ऑन कर दिया है और ये 1 चम्मच तेल है, इससे 1 चम्मच तेल। अब हम इसमें डोना डालेंगे, वो तेज पत्ता डालेंगे, और दालचीनी, ये छबीला है, छबीला डाल दिया है। अब ये लौंग, काली मिर्च, ये डोना मैंने आधा आधा डाला, आधा कूट लिया था, आधा ये, और लाल मिर्च है खड़ी, ये अदरक के टुकड़े हैं, और 6-7 कली लहसुन है। इसको देख के भूजिए। कभी कभी क्या होता है, लौंग जो है उचकती है इसमें। अब इसको हम 2-3 मिनट चलाएंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, अब इसको 2-3 मिनट चलाएंगे, फिर इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। देखिए ये प्याज हो गया है, हल्का सा ब्राउन सा हो गया है कलर। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, टमाटर डाल के इसको चला के और 5-7 मिनट करीब इसको ढक देंगे। ये देखिए 7 मिनट हो गए हैं, ये हमने लो फ्लेम में किया है, और अब हम इसको ठंडा होने रख देंगे। ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको पीसेंगे। ये देखिए ये टमाटर और प्याज जो हमने सोटे किया था वो हमने पीस लिया है, इसको प्यूरी बन गई है इसकी। अब मैं गैस ऑन करती हूँ और ये तेल, 2 चम्मच तेल है, इस चम्मच से 2 चम्मच तेल लिया है। अब मैं इसमें जीरा डालूँगी, और ये अदरक कटे हुए हैं, अदरक डाल दिया, ये हींग डाल दिया चुटकी भर। अब मैं इसमें लाल मिर्च डालती हूँ, ये इस चम्मच से 2 चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी है ये छोटे चम्मच से,
इसको मैं चलाती हूँ। ये पिसा धनिया है 2 टेबल स्पून। इसमें डालेंगे इसको अच्छे से भूनेंगे, 10 मिनट करीब भूनेंगे जब तक ये तेल न छोड़ दे मसाला। अब इसमें ये छोटे चम्मच से मैंने नमक डाल दिया, आप स्वाद अनुसार डाल लीजिए नमक। अब इसमें 1 चम्मच शहद डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मिला देंगे इसको, ये तेल छोड़ने लगा है मसाला। पहले मैंने मसाला जब पीसा था तब मैंने आधा कप करीब पानी इसमें से आधा कप डाला था। अब मैं इसमें 1 कप करीब पानी डालती हूँ। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक दूंगी, फिर इसमें हम पनीर डालेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब इसमें हम पनीर पीस देंगे। था मैंने इसको, अब इसको चला दिया है। अब इसमें हम ये पनीर के टुकड़े डाल देंगे। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। ये हमने घर पे बनाई है क्रीम, घर की बनी क्रीम है। हरा धनिया डाल देते, देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हमारा पनीर तैयार है। और आप भी बनाइए अपने घर में और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।